कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिलाधिकारी आज कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर ललितपुर शहर में फैली तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया है। आप देख रहे होंगे कि आज डेंगू का प्रकोप पूरे देश में किस तरह से हावी हो चुका है। इसके बावजूद भी हमारा प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। नालियों की स्थिति यह है कि किसी भी नाली में कहीं से भी कोई साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। हर जगह गंदगी फैली हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जहां देखो वहां मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, जहां देखो वहां कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि कृपया करके प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है इसको जगाने का कार्य करें और ये जो शहर में गंदगी फैली हुई है इसको साफ कराने का कार्य करें। साथ साथ में हम लोगों ने यह भी उन्हें सूचित किया है कि जो सड़क की खस्ता हालत है, आपने देखा होगा कि सदनसा से लेकर आप जुगपुरा जाएँ या सदनसा से लेकर आप बुढ़वाल जाएँ या आप लाइट होते हुए आगे दौड़ा तक जाएँ, ये सड़क ऐसी है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करने के लिए पर्याप्त है। तो हम लोगों ने सड़क और सफाई को लेकर आज जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर ये ज्ञापन दिया है कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो मजबूरन हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा।